दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जो है सुबह ही है, हम उठ के बैठे हुए हैं। अनवी अभी सो रही है, जग रही है लेकिन बिस्तर से उठ नहीं रही है। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह जो है बहुत काम पड़ गया है, और हमारे यहाँ जो है धान की कुटाई चलने वाली है, मशीन आ गया है। तो अभी चलते नीचे देखते हैं, जो है वो काम स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद में जो आप लोगों से बातें करते हैं। अनवी भी उठ गई हैं आगे मेरे पास। बेटा क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग बोलो सबको। ऐसे दिया था शुभकामना। मारोगी? शुभकामना अनवी गंदी है, जो अनवी को आते नहीं बोलने तो क्या बोली, खाली टैप 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 बोलती रहती है जो है। बोलो। नहीं बोल पा रही हो? बोलो अच्छा। नहीं तो दोस्तों अभी चल रहा है जो है नीचे, ट्रैक्टर जो मशीन दोनों आ गए हैं, सेटअप चल रहा है। तो भी नीचे चलते हैं, देखते हैं और काम अपना स्टार्ट करवाते हैं, वो भी बहुत जरूरी काम है। और दोस्तों हम लोग जो है घर के बाहर आ गए हैं, ये ट्रैक्टर ट्राली मशीन आ गया है। ये देखिए ट्रैक्टर और मशीन आ गया है, और जो है धान को जो है लाके रखा जा रहा है। ये देखिए सब धान उठाया जा रहा है वहां से। क्या बदमाशी कर रहे हो यार, पानी गिरा रही हो? ये लो पकड़ो पकड़ो अपना। अरे इधर देखो ये क्या कह, ये तुम गंदा काम करते हो, इसको पकड़ो। अरे दोस्तों अभी जो है ब्रश करके आ गया हूँ, अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर नीचे चलता हूँ जो है जहाँ पे धान की कुटाई हो रही है। तो
जल्दी से उसको ख़त्म करके फिर नीचे चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है फिनिश होके जो है फिनिशिंग जो चावल हमारा है ये मशीन से निकल रहा है और ये बोरी में भरा जा रहा है। और ये देखिए ये सब जो है रेडी टू यूज़ है, एकदम फिनिश प्रोडक्ट है राइस का और ये यहाँ पे रखा जा रहा है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये प्योर सांभा का चावल है जो है, सांभा मसूरी जिसे हम कहते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में ये। और देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, तो अभी इसको ठंडा होने के लिए बहुत टाइम तक रखा जाएगा। ये देखिए लाके जो है एक बोरी फिर रख दिए, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों। नाइस, ये देखिए कितना जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा, सुंदर लग रहा देखिए, और बहुत ही जो है गुड लुकिंग है ये। और अब ये जो है ठंडा भी हो चुका है और ये अब जो है पैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हैं देवेंद्र कुमार उप टीके को जो है इन्वर्टर ख़रीदना है और हम लोग इन्वर्टर की दुकान में आए हैं, तो अभी यहाँ पे प्रोसेस कुछ चल रहा है इन्वर्टर ख़रीदने का। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे जो है यहाँ पे फ्रिज भी रखे हुए हैं, देखिए बहुत सारे फ्रिज हैं और हम इन्वर्टर बैटरी की तरफ यहाँ पे आ गए हैं। सत्य है दोस्तों, आज हम आए हैं इन्वर्टर ख़रीदने के लिए और ये निकाला गया बैटरी पुराना। तो दोस्तों देवेंद्र कुमार जो है फाइनली इन्वर्टर खरीद लिए, हम लोग आए थे इन्वर्टर खरीदने के लिए, बैटरी और इन्वर्टर दोनों खरीद लिए और निकाला जा रहा है जो है। ये देखिए दोनों लोग सपोर्ट में है, हेल्प कर रहे हैं जो इन्वर्टर को निकालने के लिए। इन्वर्टर गाड़ी लेके जा रहा है, अब गाड़ी ये देखिए जो है इन्वर्टर बैटरी, ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है जो है, फाइनली इसको खोल के देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। कौन काम कर रहे हैं? हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा काम वीडियो बनाना है, वीडियो बना यूट्यूब पे। आपका नाम? अरे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो है इन्वर्टर का भी, बैटरी तो आप देख लिए था, अभी इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग है। ये आपका इन्वर्टर अंदर सभी पैक है, अभी घर पे जाके तब खोलेंगे, ठीक है ओके। दोस्तों देवेंद्र ने इन्वर्टर खरीद लिया है और हम लोग जो है इन्वर्टर यहाँ से उठाते हैं, कहीं से जो है रिक्शा उक्शा बुला के उस पर फिर लेके घर पे की तरफ चलते हैं। तब तक दोस्त हमारे स्पाइसी लाइफ ब्लॉग को देखते रहिए। दोस्तों हमारे गांव में जो है एक शादी है, एक लड़की की शादी है, तो गांव में ही घर के जस्ट पास में ही है, तो यही शादी में आए हैं थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए और घूम टहल के यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं और ये फाइनली जो है यहाँ पे प्रोग्राम जो है ख़त्म हो रहा है और अब मैं जो है घर के लिए निकल रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारे गांव के ही हैं, बाय बाय।